नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग का अकाउंट HDFC बैंक में है तो आप लोग नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करोगे, आई पिन कैसे क्रिएट करोगे, इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि सिक्योर एक्सेस के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ अगर आप लोगों ने ये सब वर्क कर लिया है तो फिर नेट बैंकिंग कैसे यूज करें, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कैसे करें, ये सब आपको मैं आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि नेट बैंकिंग कैसे यूज किया जाता है। तो आइए तो बिना समय को वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को ये साइट ओपन कर लेनी है, netbanking.hdfcbank.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से भी जाकर आप इसको डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। तो साइट को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ से जो 3 लाइट डॉट दिए गए हैं यहाँ से आप लोग जाकर डेस्कटॉप साइट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना यूजर आईडी यानी कि कस्टमर आईडी फिलअप करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आई पिन यानी कि पासवर्ड फिलअप करना है, देन कंफर्म आप लोग को करना है सिक्योरिटी इमेज और सिक्योरिटी मैसेज। तो यहाँ पे आप लोग जो बॉक्स दिया हुआ है इस पर आप लोग को टिक कर देना है। इसके बाद कंफर्म करने के बाद आप लोग को लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस पेज पे सिक्योरिटी के लिए आपको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग अपना ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इस पे टिक कर देना है। इसके बाद आप लोग को कंटिन्यू बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो आप लोग के मोबाइल नंबर पे और इसके साथ ही आप लोग के ईमेल पे एक OTP आएगा, वही OTP फिलअप करना है वेरीफाई करने के लिए। चलिए मैं ये सब फिलअप करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि मेरे मोबाइल नंबर पे इसे आते ईमेल पे OTP आ चुका है, तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ सबसे पहले। तो OTP फिलअप करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे ओपन हो जाता है और आप देख सकते हो कि मैंने सक्सेसफुली अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। तो चलिए मैं अब आप लोग को HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के एक एक फीचर्स के बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट समरी की। तो आप देख सकते हो कि मेरे सेविंग अकाउंट में अभी 0 बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि अभी सेविंग अकाउंट में भी कोई बैलेंस मैंने जमा नहीं किया है। इसके साथ ही स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोग यहीं से अपना मंथली स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर पर जाके आप लोग अपना मंथली स्टेटमेंट निकाल सकते हो। साथ ही नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग अपने प्रीपेड या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही जो न्यू अभी आए यहीं से आप लोग अपने पैन कार्ड का डिटेल्स भी देख सकते हो। तो अकाउंट समरी में ये सारे वर्क आप लोग को मिल जाते हैं। इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन आपको ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजेक्ट का मिल जाता है। तो इस पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो आप देख सकते हो इसमें कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है फंड ट्रांसफर टू ओन अकाउंट, यानी कि आप लोग अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो यानी कि पैसे जमा कर सकते हो। इसके साथ ही यहीं से आप लोग फिक्स डिपॉजिट अपना ओपन कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हो, FCNR डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। इसके साथ ही फिक्स डिपॉजिट स्वीपिंग की सुविधा आप लोग यहीं से ले सकते हो। इसके साथ ही आप लोगों को कई सारे ऑप्शन और भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे इंक्वायरी का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके थ्रू आप लोग अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, व्यू अकाउंट बैलेंस पर जाकर आप लोग अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो। इसके साथ ही अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हो, साथ ही साथ आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके साथ ही हिस्टोरिकल स्टेटमेंट यानी कि आप लोग जब तक का भी अपना स्टेटमेंट निकालना चाहे डेट वाइज, इससे आते मंथली वाइज आप लोग यहां से अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। इससे आते फिक्स्ड डिपॉजिट समरी आप लोग जो FD किए हुए हैं उसकी समरी आप लोग यहां से देख सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट की समरी देख सकते हो, चेक का स्टेटस यहां से आप लोग चेक कर सकते हो। यहां पे जो व्यू चेक स्टेटस दिया हुआ है यहाँ से आप लोग अपने चेक का स्टेटस चेक कर सकते हो, TDS इंक्वायरी कर सकते हो, होल्ड इन यानी कि आप लोग को अपनी इंक्वायरी होल्ड कर सकते हो, मेल बॉक्स यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके साथ ही आप लोग को अपने पेंशन फंड का जो समरी है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके साथ ही फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट का। तो यहाँ से जैसे आप लोग क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट के थ्रू आप लोग अपना GST नंबर अगर आपने किया हुआ है तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हो, या फिर अगर आप लोग न्यू GST नंबर ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। अपना सिबिल स्कोर यहाँ से आप लोग दे सकते हो, कंफर्म KYC डिटेल्स यानी कि आप लोग अपनी KYC भी नेट बैंकिंग के
के थ्रू घर बैठे कर सकते हो। यहाँ पे अपडेट या एक्सटेंड केवाईसी का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप लोग अपना केवाईसी अपडेट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपने किसी को अपना चेक का पेमेंट किया हुआ है और अगर आप लोग उस चेक के पेमेंट को स्टॉप करना चाहते हैं यानी कि रोकना चाहते हैं, तो यहीं से आप लोग अपने चेक का पेमेंट को भी रोक सकते हैं। नया चेकबुक इशू करवाने के लिए आप लोग यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके साथ ही डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट आप लोग डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है ऐड एंड अपडेट पैन नंबर, यानी कि अगर आप लोग अपना पैन कार्ड अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर अपडेट कर सकते हो, ईमेल स्टेटमेंट के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके साथ ही और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बड़े कमाल की चीज़ है नेट बैंकिंग, और लॉकडाउन में तो आप लोग नेट बैंकिंग का जरूर यूज करें। यहीं से आप लोग को घर बैठे सारी बैंकिंग मिल जाती है, मतलब कि बैंकिंग आपकी मुट्ठी में आता है, आपके मोबाइल में आता है, मतलब कि आप मोबाइल से ही सारा बैंकिंग आप कर सकते हो। आपको बैंक जाने की यानी कि बैंक ब्रांच जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जाकर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इसके साथ ही बिल पेमेंट करना हो, रिचार्ज वगैरह करना हो, यहीं से आप कर सकते हो। कार्ड के लिए यानी कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करवा, यहीं से आप ओपन कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन ऑफर, आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से अपना नेट बैंकिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हो, सिक्योर एक्सेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके साथ ही नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो। मैंने लगभग आप लोग को सारे प्रोसेस के बारे में सिंपली करके बता दिया। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप लोग को इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।